हेलो गाइज, देखिए भाई, लास्ट क्लास तक हमने पढ़ा था डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी ब्रोगली कंसेप्ट के साथ हम डील कर रहे थे, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर के साथ। हमने देखा था जो आपकी वेवलेंथ थी वो किसके इक्वल थी, एच अपॉन एम वी। ये चीज़ हमने कैलकुलेट की थी। आज जो हमें करना है वो हमें जो टॉपिक है वो हमारा है एसोसिएशन ऑफ डी ब्रोगली कंसेप्ट विद बोहर पोस्टुलेट। देखिए, आपको पता है फ्रॉम बोहर पोस्टुलेट बोहर्स अटोमिक मॉडल से बोहर पोस्टुलेट में आपने ये चीज़ बोला था, एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन टू पाई। ये आपका न्यूक्लियस, इसके अराउंड ये आपका ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, और उस इलेक्ट्रॉन के साथ ये आपकी वेव एसोसिएटेड अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली। ये थोड़ा सा वो हो गया, चलो ये एडजस्ट, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रॉन है, रिवॉल्व कर रहा है, उसके साथ कोई वेवलेंथ एसोसिएटेड आपकी। अब यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ, टू पाई में इस साइड ले गया आर और एन एच अपॉन एम वी, ये चीज मैं लिख सकता हूँ। टू पाई आर क्या होती है आपकी, सरकमफ्रेंस रहती है किसकी, आपके सर्कल की। तो सरकमफ्रेंस आ गई आपके पास, ये आपका एच अपॉन एम वी किसके इक्वल आ गया, लैम्डा के, डी ब्रोगली वेवलेंथ के। एन क्या है आपका, नंबर ऑफ सेल्स, या फिर यहाँ पे हम बोलेंगे नंबर ऑफ वेव्स। यहाँ पे जो n आएगा आपका वो नंबर ऑफ सेल्स जो हम बोलते थे वो ना होके क्या होगा, नंबर ऑफ वेव्स को बताएगा। देखिए पूरा डिस्टेंस क्या है, ये 2πr, और दो क्रस्ट के बीच का डिफरेंस क्या है, दो क्रस्ट की क्या है, वेवलेंथ। फिर टोटल डिस्टेंस आपका कितना है, टोटल डिस्टेंस है आपका 2πr, और दो क्रस्ट के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, वेवलेंथ के इक्वल। सो अगर आपको टोटल नंबर ऑफ वेव्स निकालनी है, नंबर ऑफ वेव्स वो किसके, जो आपका एन रिप्रेजेंट करेगा टोटल डिस्टेंस 2πr डिवाइडेड बाई लेमडा। सो नंबर ऑफ वेव्स को अगर आपको निकालना है तो आप डायरेक्टली निकालेंगे जो आपका एन के इक्वल रहेगा। ये नंबर ऑफ सेल्स के इक्वल ही रहेगा, बट यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, ऐसा नहीं है नंबर ऑफ सेल्स के इक्वल। एन की वैल्यू आपने वहाँ पे जब आपका बोहर एटॉमिक मॉडल आपने पढ़ा था तो एन आपने क्या बोला था, नंबर ऑफ सेल ही बोला था। सो अगर आपको डायरेक्टली कोई पूछे, कोई भी आपको ऑर्बिट गिवन हो और उसके अंदर पूछे कितने नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट रहेंगी, सो जो ऑर्बिट का नंबर रहेगा उतनी क्या रहेंगी, आपकी नंबर ऑफ सेल्स रहेंगी। फॉर एग्जाम्पल हम एक न्यूमेरिकल करते हैं, सो न्यूमेरिकल करते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ वेव्स मेड बाय एन इलेक्ट्रॉन फॉर वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन अराउंड द न्यूक्लियस इन फोर्थ सेल। किस सेल की बात कर रहे हैं, फोर्थ सेल, कुछ नहीं करना, डायरेक्टली नंबर ऑफ वेव्स इज इक्वल टू एन, और वो आपके कौन सी सेल की बात कर रहे हैं, फोर्थ, एन इज इक्वल टू फोर। सो कितनी आपकी नंबर ऑफ वेव आ जाएंगी, डायरेक्टली आपके पास फोर नंबर ऑफ वेव्स आपकी आ जाएंगी। चलो देखो, अभी हम नेक्स्ट आपके टॉपिक की बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। बोहर एटॉमिक मॉडल की लिमिटेशंस थी,
अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। डी ब्रोगली हो गया आपका। हाइजेनबर्ग की बात करते हैं, कैसे आपका लिमिटेशन थी। देखिए भी फोर ने बोला ये आपका न्यूक्लियस होता है सेंटर में, इसके अराउंड आपका इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट फिक्स ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, ये बोला फोर ने। फोर ने इस ऑर्बिट का रेडियस बता दिया आर एन 0.529 इन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। फोर ने वेलोसिटी बता दी, फोर ने एनर्जी बता दी, तीनों चीज़ें आपकी बता दी, रेडियस बता दिया, वेलोसिटी बता दी, किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, क्या एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की, क्या रेडियस है। तो अगर ये तीनों चीज़ें हमें पता हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम इजीली क्या कर पाएंगे, उस इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट लोकेशन बता पाएंगे। अगर हम फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा जनरली जिस भी सब्जेक्ट मैकेनिक्स में आता है या आपका काइनेटिक्स में आता होगा, अगर आपको पता है किस डिस्टेंस पे किस स्पीड से आपका रोटेट कर रहा है, तो हमें ये पता है इस डिस्टेंस पे आपका पार्टिकल रोटेट कर रहा है और इस वेलोसिटी से कर रहा है, तो हम बता पाएंगे कि लोकेशन एग्जैक्ट लोकेशन क्या होगी आपके पार्टिकल की। बट हाइजेनबर्ग एक साइंटिस्ट आया, उसने अपना ही एक प्रिंसिपल दिया जो किसके लिए अप्लीकेबल था, जो आपका अप्लीकेबल था फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। उसने क्या बोला, देखिए उसने बोला आप एक एटम के अंदर, एक एटम के अंदर आप इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन जो आपका रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और मोमेंटम डिटरमाइन नहीं कर सकते विद 100% एक्यूरेसी। एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकते विद 100% एक्यूरेसी। ये किसने बोला, ये हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल था। दूसरा, हाइजेनबर्ग ने बोला आपका इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव नहीं करता है, आपका इलेक्ट्रॉन किसी फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन जो मोशन करता है वो थ्री डायमेंशनल मोशन करता है, वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, वो और जिस रीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी, सुनना, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकते। दूसरी चीज, ऐसे कोई सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन 3D मोशन के अंदर किसी भी आपके थ्री डायमेंशनल स्पेस में रोटेट करता है, इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी कहीं भी हो सकती है, आप 100% एक्यूरेसी नहीं बता सकते, आप जस्ट प्रोबेबिलिटी बता सकते हो, यहाँ पे 80% प्रोबेबिलिटी है, वहाँ पे 90% प्रोबेबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, नहीं मिले तो भी कोई वो नहीं है, बट मिल सकता है उसकी प्रोबेबिलिटी। जैसे कि आपने वेदर फोरकास्टिंग देखी होगी, बोलते हैं कि आज बारिश होने की प्रोबेबिलिटी है, आशंका है, तो सेम केस हाइजेनबर्ग वो आपको बोलेगा 90% प्रोबेबिलिटी है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा उस टाइम पे, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो आप उसको क्लेम नहीं कर सकते 100% एक्यूरेसी से, तो आप इलेक्ट्रॉन की लोकेशन बता ही नहीं सकते। तो देखिए क्या बोलता है ये, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ ए मूविंग इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी डिटरमाइंड साइमल्टेनियसली। विद 100% एक्यूरेसी क्या बोल रहा है, आप एक इलेक्ट्रॉन मूविंग इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम डिटरमाइन नहीं कर सकते साइमल्टेनियसली, दैट मींस एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उसी टाइम पे आप पोजीशन और उसी टाइम पे मोमेंटम 100% एक्यूरेसी से नहीं बता सकते, जो आप कैलकुलेशन करोगे उसके अंदर अनसर्टेनिटी आएगी, इसीलिए इसका नाम है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, इफ वी ट्राई टू फाइंड
डिफाइन बोले या हम डिफाइन बोले, डिफाइन पोजीशन विद 100% एक्यूरेसी, देन एरर विल अकर इन मोमेंट एंड वाइस वर्सा। अगर हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन आपके डिटरमाइन करते हैं विद 100% एक्यूरेसी, तो आपके मोमेंटम में एरर आएगा, 100% आएगा। हाइजेनबर्ग ने अपना एक रिलेशन दिया, वो आपका डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4π। ये आपका रिलेशन किसने दिया? हाइजेनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल में, वेयर डेल्टा एक्स क्या है यहाँ पे आपका अनसर्टिनिटी इन पोजीशन, डेल्टा पी क्या है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। देखिए अगर आपने फॉर एग्जांपल अगर आपने डेल्टा एक्स, इफ डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0, दैट मींस आपकी जो अनसर्टेनिटी है पोजीशन में वो 0 है। आपने 100% एक्यूरेसी के साथ क्या निकालना है आपका पोजीशन निकाली है, तो आपकी एच अपॉन 4π डेल्टा एक्स, सो डेल्टा पी क्या आ जाएगा समथिंग अपॉन जीरो क्या आ जाएगा इन्फिनिटी। दैट मीन्स जो आपकी अनसर्टेनिटी आएगी मोमेंटम में वो बहुत ज़्यादा आएगी, एरर जो आएगा आपके मोमेंटम कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। सो देखिए अपने पास क्या आ गया, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4π फ्रॉम हाइजेनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल। अब आप हमें पता है आपका पी किसके इक्वल होता है एम वी, सो डेल्टा पी जो आपका आ जाएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा डेल्टा एम वी। मास तो हमें पता होगा जनरली बॉडी का क्या मास है एक्यूरेसी के साथ, जो डिफरेंस आएगा अनसर्टिनिटी आएगी वो किस में आएगी वेलोसिटी में, सो डेल्टा एक्स एम डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4π डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4πm। ये आपकी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की अनदर फॉर्म है, ऐसे भी लिखा जाता है अनदर फॉर्म ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ऐसे भी आपके हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को लिखा जाता है। तो एक दो न्यूमेरिकल इस पर डिस्कस करते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल हमें गिवन है कि प्रोटॉन इज मूविंग विद स्पीड, किस स्पीड से मूव कर रहा है 2×10⁵ ± 0.01 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन पोजिशन। देखिए आपको स्पीड गिवन है, वेलोसिटी गिवन है कितनी 2×10⁵ ± 0.01। ये प्लस माइनस जो है ये क्या है आपकी अनसर्टेनिटी एरर है कि इतना प्लस भी हो सकता है इतना माइनस भी हो सकता है, हम 100% श्योर नहीं है। तो हमें डेल्टा वी पता लग गया यहाँ से 0.01। डेल्टा एक्स निकालना है, डेल्टा एक्स किसके इक्वल आ जाएगा एच अपॉन 4πm डेल्टा वी, और इसको आपको पता होना चाहिए 6.63। ये यहाँ नहीं आ पाएगा, नहीं चली देता हूँ, 6.63 × 10⁻³⁴ 4π की वैल्यू 3.14। मास ऑफ प्रोटोन, मास ऑफ प्रोटोन आप सभी को पता होना चाहिए 1.67 × 10⁻²⁴ ग्राम और −27 kg into 0.01 मीटर पर सेकेंड। ये आपका क्या आ जाएगा,
आपकी अनसर्टेनिटी आ जाएगी पोजीशन में, कैलकुलेशन आप खुद करोगे, मैं नहीं बता रहा, कैलकुलेशन आपको करना है, ठीक है। एक और हम न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं, सपोज करो हमें गिवन था एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद स्पीड 5×10⁴ मीटर पर सेकेंड, विच इज एक्यूरेट अप टू 2%। कैलकुलेट एरर इन पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए दादा, हमें वेलोसिटी गिवन है 5×10⁴, एरर कितना है आपका 2%। इस वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड में है ये आपकी, इसका 2% एरर है, सो डेल्टा वी क्या हो जाएगा, अनसर्टेनिटी और आपका एरर, इसका 2% ये आपके कैंसिल होके ये क्या आ जाएगा, ये 10, ये आ जाएगा 10³, अनसर्टेनिटी आ गई है। आपको क्या निकालना है, एरर इन पोजीशन, तो आप निकाल सकते हो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू h/4πm×ΔV। इलेक्ट्रॉन का मास आपको पता होना चाहिए 9.1×10⁻³⁻³ kg, डेल्टा वी पता है, 4π पता है, h आपको पता है, ये चीज़ आपको कैलकुलेट करनी है, आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे। देखो अभी एक नेक्स्ट आपका कि आपका क्यों ये लिमिटेशन था, बोर्स मॉडल वर्सेस हाइजेनबर्ग मॉडल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोल लो या फिर हाइजेनबर्ग मॉडल बोल लो, आप एक ही बात है। देखिए हाइजेनबर्ग ने, भोर ने क्या किया था, मैंने ये चीज पहले भी डिस्कस की थी, अभी लेक्चर स्टार्ट हुआ था, भोर ने क्या बता दिया था, आपकी एग्जैक्ट लोकेशन बता दी थी आपके इलेक्ट्रॉन की, बिकॉज रेडियस एंड वेलोसिटी दोनों उसने क्लियरली आपका बता दिया था, रेडियस इज इक्वल टू 0.529 एन स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रॉम, एंड वेलोसिटी भी उसने बता दी थी 2.18×10⁶ जेड बाय एन मीटर पर सेकंड, ये आपके बता दिया था। ठीक, उसने बोला एटम के अंदर न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा इन फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट्स, बट हाइजेनबर्ग ने बोला आप रेडियस वेलोसिटी अगर आप एग्जैक्ट बता दोगे तो आप पोजीशन निकाल सकते हो, बट अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग आप डिफाइन नहीं कर सकते, आप जो बता सकते हो वो क्या बता सकते हो, जस्ट प्रोबेबिलिटी। तो यही है यहाँ पे, फोर्स गिव्स एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम, और वी कैन से वेलोसिटी, वेलोसिटी पता है, मोमेंटम निकाल ही सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो अकॉर्डिंग टू बोहर वी कैन डिटरमाइन एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट या फिर बोले वाइल अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग वी कैन नॉट एबल टू डिफाइन एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट वी कैन ईजली डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन
इन एन एटम। आप एटम के अंदर प्रोबेबिलिटी बता सकते हो कि इलेक्ट्रॉन कहाँ मिल सकता है, या और वो रीजन। यहाँ पे एक नया कंसेप्ट आएगा, ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स का एक नया कंसेप्ट आ गया। सपोज करो ये आपका न्यूक्लियस है और इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी इस रीजन के अंदर मैक्सिमम है। हाइजेनबर्ग ने कहा आपका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर एटम के सराउंडिंग में कहीं भी मिल सकता है, एनी वेयर, 3D मोशन करेगा। इलेक्ट्रॉन फिक्स नहीं है, वो आपका वेव नेचर भी रखेगा। तो बेसिकली हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के साथ डील करते हैं। ये आपका न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड कहीं भी मिल सकता है। वो रीजन जिस रीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम रहेगी, सुनना, वो रीजन जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम रहेगी, उस रीजन को एक नाम दिया हाइजेनबर्ग ने, उसको बोला ऑर्बिटल। ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? द रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। न्यूक्लियस के अराउंड वो रीजन जहाँ पे प्रोबेबिलिटी आपकी फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या रहेगी, मैक्सिमम, उस रीजन को बोलेंगे क्या, उस रीजन को क्या बोलेंगे, ऑर्बिटल्स। इन ऑर्बिटल्स की शेप्स, इनका साइज सब हमें डिस्कस करना है। क्वांटम नंबर्स अभी हमारे नेक्स्ट टॉपिक है, वहाँ पे हम शेप्स ऑफ ऑर्बिटल डिस्कस करने के बाद क्वांटम नंबर्स को डिस्कस करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ये आपका हाइजेनबर्ग में जो याद रखना है वो ये, हाइजेनबर्ग ने आपका बोहर एटॉमिक मॉडल की लिमिटेशन थी, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोलता है आप इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकते एटम में। दूसरा इसका मेन पॉइंट, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी बता सकते हो, इलेक्ट्रॉन आपका 3D मोशन करता है, कहीं भी मिल सकता है एटम के अंदर आउटसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है। इलेक्ट्रॉन आउटसाइड द न्यूक्लियस जहाँ मिलेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम रहेगी, उसको बोला जाता है ऑर्बिटल, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।